अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी हो सारा मतलब हो सारा। तो आज कहाँ मौजूद हूँ मैं? यूनुस कहाँ है? यूनुस कहाँ है? मैं इधर, तुम्हारे तो पर लगे हुए ना, इसलिए तो मैं उड़ रही थी आपके बगैर। तो यूनुस आ गए हैं। तो यूनुस आप कौन है? मोहम्मद यूनुस खान जी। तो आज हम कहाँ मौजूद है, जहाँ के मुझे पर लग गए? देखिए पर लग गए मुझे। मौजूद है हैदर फूड्स। हैदर फूड्स पे आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी है आज रूफ टॉप की ओपनिंग। अच्छा, रूफ टॉप की ओपनिंग। जी, आज इनकी रूफ टॉप की ओपनिंग है, हम उसको कवर करने के लिए आए हैं। आप लोगों को फूड का भी रिव्यू करेंगे और ओपनिंग सेरेमनी भी दिखाएंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, आ जाइए। यहाँ पे सोफा स्टाइल भी है, सिटिंग अरेंजमेंट ये चेक कीजिए आप लोग, जबरदस्त इनके पास सोफा स्टाइल भी है। ठीक है जी, आप लोगों को दोनों किस्म के यहाँ पे बैठने का स्टाइल मिलेगा, सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। तो जो आप लोग रिक्वायर्ड है, आप लोगों को जो आप कंफर्टेबल है उसमें आप लोग यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ हैदर फूड के ऑनर मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू वार्तालाप करते हैं, वो यूनुस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो भाई, सो मच कर आपकी ओपनिंग क्या। अच्छा, थोड़ा सा हैदर फूड्स के हवाले से आप बताएं। हैदर फूड्स अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर फूड्स को मार्केट में एज अ रेस्टोरेंट काम करते हुए 28 साल हो चुके हैं। 28 साल 20 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट हमने इस तरह किए कि रूफ टॉप डाइन इन बाय हैदर फूड्स हमने लॉन्च किए शादमान टाउन में। जी, नॉर्थ कराची अंडा मोड़ से अंदर आके शादमान टाउन है, वहाँ हमने रूफ टॉप डाइन इन रेस्टोरेंट जो है वो लॉन्च करा। फुल फैमिली को इस तरह हमारा इन्वायरमेंट देने का, इस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया कि फैमिली बहुत पुरसकून बैठे, माहौल को इन्जॉय करे, फूड को इन्जॉय करे। अच्छा, आगे पीछे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो अभी तक यहाँ पे रूफ टॉप नहीं है। नहीं, इस एरिया में अभी तक किसी ने भी रूफ टॉप डाइनिंग तो हैदर फूड को ये एजाज जाता है कि रूफ टॉप आप लॉन्च कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी फूड की वैरायटी के हवाले से थोड़ा बताएं। हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज है, हमारे पास हमारी स्पेशल कैटेगरीज जो है बारबेक्यू, इटालियन, चाइनीज, फास्ट फूड कैटेगरी में हमारे पास बहुत सी जो है वो ऑप्शंस हैं। मतलब हर चीज़ होती है आपके पास? बहुत सारे हमारे पास, कोई अगर आप हमारा मेन्यू चेक करेंगे तो हमारे पास 150 से प्लस जी डिशेज मौजूद हैं और सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सब प्रोवाइड कर रहे हैं। उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी एक तो टाइमिंग बता दें हमें, थोड़ी सी लोकेशन गाइड कर दें। हमारी अभी स्टार्टिंग टाइमिंग है दोपहर वो शाम 6 बजे से रात 3 बजे तक। सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे से और रात 3 बजे तक। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो मॉर्निंग नाश्ता भी लॉन्च करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं, और प्लस में दोपहर में लंच भी अनाउंस। दोपहर में लंच भी होगा। अच्छा, थोड़ी लोकेशन बता दो। लोकेशन हमारी है अंडा मोड़ शादमान टाउन,
नॉर्थ कराची। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, जैसे ये जो इधर हम कोई इवेंट वगैरह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस तरह की प्री बुकिंग वगैरह भी है हमारे पास। मेहंदी के इवेंट्स ऑलरेडी 2-3 इवेंट्स अभी आ चुके हैं हमारे पास स्टार्ट लेते ही, और एक हमारे पास बर्थडे पार्टी इवेंट आ चुका है। मतलब हर तरीके के, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 200-250 बंदों के हमारे पास अरेंजमेंट है। प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी। जी जी जी। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे मेंशन कर देते हैं। बाकी आपका सर बहुत 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 थैंक यू सो मच आप लोगों का। चिकन कबाब है, ठीक है, कि मैंने यहाँ से तोड़ा है। पहले मैं सोच रही हूँ बगैर पराठे के रिव्यू करूँ तो खा के चटनी मज़ा आता है। मज़े का इसके साथ रिव्यूज बताएंगे। जब तक मैं फिश जो हूँ कोशिश करती हूँ। हाँ, खाए मैंने सीरियस, और ये चटनी में डिप किया और ये गया मुंह में। मेरे हाथ में इस वक्त फिश फ्राई, डुबकी इन पानी नहीं, डुबकी इन चटनी। एंड टू एंड चाइनीज का भी रिव्यू करते थे इनके फ्राइड राइस के ऊपर। फ्राइड राइस के ऊपर इन्होंने सिंगापुरी राइस की सॉस भी डाली है, ठीक है। पूरा था मैंने सॉस डाला। चाइनीज तो अच्छा है, मज़े का है, अच्छा लगा। फिश भी अच्छी है इनकी। बाकी अभी ये है कि हम ये खाते हैं। क्या अच्छा लगा आपको चाइनीज का टेस्ट तो करें, बताएं जल्दी से। नहीं अच्छा, बारबेक्यू पे यही है टिक्का टिक्का। ओहो ओहो, तो चलें जब तक हम इसको इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इसको इंजॉय करने के बाद। तो भाई खाना खा लिया, मज़े का था, अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी। बारबेक्यू अच्छा था, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज भी अच्छा था, बट बारबेक्यू ज़्यादा मज़े का लगा मुझे। प्रिपेयर किया मुझे बारबेक्यू ज़्यादा पसंद आया। तो अभी हम व्लॉग तक के लिए यहीं पर एंड करते हैं अपना व्लॉग, और आप लोगों से इजाज़त देंगे किसी को भी प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। हमारी आपको रिक्वेस्ट है चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए वीडियो को, कमेंट में आके मज़े मज़े के कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच, हम करते हैं सबको। अल्लाह हाफिज़।